अब हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ देखने जा रहे हैं फिर से। न्यूटन्स सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऑफ कोर्स, कि हमारे पास वहां पर क्या होता था कि अगर कोई एक पार्टिकल या एक बॉडी होती है और उस पर कुछ फोर्सेस लगते हैं, लेट्स से उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3 और इसका मास है m, कुछ इस तरीके से इस पर फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या करते थे कि आप इन सभी फोर्सेस को ऐड करते थे, वेक्टोरली ने जोड़ते थे, इनका एक रिजल्टेंट निकालते थे, या फिर मैं कहूं तो आप एक नेट फोर्स निकालते थे। इन सभी को वेक्टोरली आपने ऐड किया कंपोनेंट्स के फॉर्म में या कैसे भी आपने इनको जोड़ा, और इनको जोड़ने के बाद हमें यह पता चला कि लेट्स से नेट फोर्स यहां कहीं आ गया, ये नेट है चारों का रिजल्टेंट। तो हम क्या बोलते थे एक पार्टिकल के लिए, तो हम एक पार्टिकल के लिए अगर न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करते थे तो हम ये बोलते हैं कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कि एक पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लगेगा दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हम जो बात किया करते थे ये एक ब्लॉक या एक पार्टिकल के लिए हमेशा किया करते थे। आप इंडिविजुअली हर पार्टिकल का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब हम वही सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए फिर से यूज करने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार एक सिस्टम के लिए, हम एक पार्टिकल के लिए नहीं एक पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। सिस्टम में हमारे पास पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बॉडीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, चार पांच बॉडीज अटैच भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, या फिर बॉडीज पार्टिकल का भी कॉम्बिनेशन, मतलब कंप्लीट एक सिस्टम है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम सिचुएशन देखते हैं कि अब हम यही लॉ एक सिस्टम के लिए अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है, कि सिस्टम में ये लॉ क्या निकल के आता है, ठीक। तो मैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर करने जा रहा हूं। लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है M1, दूसरा पार्टिकल है लेट्स से M2 और तीसरा पार्टिकल है लेट्स से M3, ठीक है। हमने ये तीन पार्टिकल्स कंसीडर किए, सिर्फ तीन ले रहा हूं अभी, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन तीनों को अपना सिस्टम एज्यूम किया। अब अगर मैं M1 की बात करूं तो इस M1 पर हो सकता है फोर्सेज लग रहे हो, बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हो, लेकिन जितने भी फोर्सेस लगेंगे उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा फोर्सेस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यह आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते टाइम, कि फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। तो यहां पर भी M1 पर बहुत सारे फोर्सेज लग सकते थे, ठीक है, लेकिन हम उन फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक कहलाता है एक्सटर्नल और एक कहलाता है इंटरनल। हम फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, वन इज एक्सटर्नल एंड वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर से लगने वाले, मतलब इस पर आप हो सकता है बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। देखो सिस्टम ये तीन है, तो इन तीनों के अलावा कोई चौथा पार्टिकल इस पर कोई फोर्स लगाए, या मान लो मैंने धक्का लगाना शुरू कर दिया, या कुछ और इसके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो इस पर दो फोर्सेस लग सकते हैं। एक लग सकता है लेट्स से कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑन वन, ये एक्सटर्नल फोर्स जरूरी नहीं है एक हो, मैंने सबका रिजल्टेंट मान लिया कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को मैंने ऐड किया और वो इधर आ गया, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल लगे ये जरूरी नहीं है, इस पर इंटरनल भी लग सकते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि सिस्टम के जो हमारा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम भी इस पर कोई फोर्स लगा सकता है, लगा तो सकता है। अगर ये दोनों रस्सी से अटैच हैं तो ये दोनों एक दूसरे को पे क्या लगाएंगे, टेंशन। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते तो क्या लगाते एक दूसरे पे, नॉर्मल या फ्रिक्शन भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स होते प्लस क्यू, तो ये तो पढ़ा होगा कि दो चार्ज प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, K Q1 Q2 / R², सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो एक प्लस और एक प्लस चार्ज अगर होता तो एक दूसरे पे और फोर्स लगाते, तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस ये एक दूसरे पर लगा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर
M1 पर ये दोनों भी फोर्स लगाते, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिस्टम का पार्ट है इसलिए हम उन फोर्स को नाम देंगे इंटरनल फोर्स। तो मैं इसको लिख रहा हूं F12 इंटरनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इंटरनल, क्योंकि वो सिस्टम का हमारा पार्ट है। तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींचेगा तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी को पुल करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा F21 इंटरनल। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर। सिमिलरली थ्री भी कोई फोर्स लगा सकता था, इंटरनल सिस्टम का पार्ट है क्योंकि। तो ये हो सकता है इस पर कोई फोर्स लगा रहा हो वो इस डायरेक्शन में हो सकता है F13 इंटरनल। देखो डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है, मैं वेक्टर फॉर्म में काम कर रहा हूं, मैं कोई जनरल डायरेक्शन नहीं ले रहा। सिमिलरली लेकिन अगर इस पर इधर लगा है तो थ्री पर भी इधर ही लगेगा F31 इंटरनल। तो कुल मिलाकर वन पर कौन कौन से फोर्स लगे? एक वन पर हो सकता है बाहर से हमने 4-5 फोर्स लगाए हो, सबका रिजल्टेंट मैं एक्सटर्नल बोल रहा हूं, ठीक है। हो सकता है टू इस पर फोर्स लगा रहा हो तो इंटरनल, हो सकता है थ्री इस पर फोर्स लगा रहा हो तो इंटरनल, क्योंकि सिस्टम का पार्ट है। सिमिलरली अगर हम टू को देखें तो टू पर भी बहुत सारे फोर्सेज लग रहे होंगे, हो सकता है हम बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, और जो बाहर से फोर्स लग रहा है उसको मैं F एक्सटर्नल टू नाम दे देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू। हो सकता है टू पर वन लगा रहा हो तो वो तो मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, हो सकता है टू पर थ्री भी लगा रहा हो इंटरनल, तो ये हो जाएगा F23 इंटरनल। लेकिन अगर टू पर लगा तो वही इंटरनल फोर्स थ्री पर भी लगेगा तो F32 इंटरनल। तो इस पर भी हमने देख लिया एक्सटर्नल भी लग सकते हैं, इंटरनल भी लग सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें थ्री की तो थ्री पर हमने सारे इंटरनल फोर्सेस देख लिए, वन ने भी लगा दिया और टू ने भी लगा लिया, बचा कौन? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इस पर भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग सकते हैं, एफ एक्सटर्नल ऑन थ्री। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला फाइनली कि कुछ पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगेंगे और पार्टिकल्स पर हो सकता है इंटरनल फोर्सेस भी लगे, लेकिन यह कंफर्म है इंटरनल फोर्सेस अगर होंगे तो वो किसमें आएंगे? पेयर में, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, बाहर से लगने वाला फोर्स है, ठीक। सर इसका भी तो एक पेयर आएगा लेकिन वो हमारा सिस्टम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आदमी है और वो इसे धक्का मार रहा है, इधर एक आदमी था और वो इसे इधर धक्का मार रहा था, तो आदमी ने अगर इसे धक्का मारा तो ये भी आदमी को धक्का मारेगा, लेकिन वो जो फोर्स लगेगा वो तो आदमी पे लगेगा, और क्योंकि आदमी हमारा सिस्टम नहीं है तो हम इस आदमी को कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल का हमने रिएक्शन पेयर क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम के बाहर चला गया। तो अब अगर मैं वन पर फोर्स देखूं तो वन पर टोटल तीन फोर्सेस लगे, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरनल। तो हम क्या लिखें? तो वन के लिए अगर मुझे इन तीनों को रिजल्टेंट निकालना हो, इन तीनों का नेट फोर्स निकालना हो, तो मैं सिर्फ वन पार्टिकल के लिए क्या लिखूंगा? वन पार्टिकल के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। तो एक पार्टिकल के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स तीन लगेंगे, एक एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल ऑन वन प्लस F12 इंटरनल प्लस F13 इंटरनल, और ये टोटल तीनों फोर्स का रिजल्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली टू के लिए इक्वेशन भी सेम आएगी, एफ एक्सटर्नल टू प्लस F21 इंटरनल प्लस F23 इंटरनल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली आप थ्री के लिए भी इक्वेशन सेम लिखेंगे, थ्री के लिए क्या बन जाएगा? बस एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस इंटरनल फोर्सेस प्लस F32 इंटरनल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक काम करते हैं, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबको आपको इस तरीके से इक्वेशन लिखनी है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को ऐड करने जा रहा हूं इक्वेशन को।
जैसे ही हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एक फायदा होगा, वो क्या होगा कि F12 और F21 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि F12 और F21 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक 10 न्यूटन नीचे और एक 10 न्यूटन ऊपर। तो जब मैं मैग्नीट्यूड या वेक्टर फॉर्म में रखूंगा तो एक 10 प्लस में रखना पड़ेगा और एक 10 माइनस में, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली F23 और F32 भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 32 और 23 एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली 13 और 31 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी F13 और F31, यानी कुल मिला के जितने भी आप पेयर लेंगे सारे इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स ऑन वन, एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू, एक्सटर्नल फोर्स ऑन थ्री, तो मैं लिख देता हूं टोटल एक्सटर्नल फोर्स। एफ एक्सटर्नल समेशन का मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बना M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, हम क्योंकि सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें इसे सेंटर ऑफ मास से रिलेट करना है। क्या ये टर्म कहीं देखी देखी सी लग रही है, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अपॉन अगर टोटल मास आ जाता, अगर इसके अपॉन में टोटल मास में लिख दूं तो ये ACM बन जाएगा। ठीक है, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इज ACM, अगर याद हो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसे टोटल मास से मल्टीप्लाई किया और टोटल मास से डिवाइड कर दिया, वेयर M इज द कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो जैसे इसे डिवाइड करेंगे ये टर्म क्या बन जाएगी, ACM, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अपॉन टोटल मास। तो हमारे पास नेट न्यूटन लॉ क्या निकल के आता है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास M इंटू ACM, कि पूरे सिस्टम पर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स, पूरे सिस्टम पर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन के। इक्वेशन वही है F इक्वल्स टू MA, बस इसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना है, फोर्सेस में आप सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस लेंगे और एक्सेलरेशन आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फोर्सेस हमें पूरे सिस्टम पर सिर्फ एक्सटर्नल कंसीडर करने हैं और एक्सेलरेशन हमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसे नोट करिए फिर इसका यूज देखते हैं। तो हमने अभी ये इक्वेशन डिराइव करी कि पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की होगी। ठीक है, अब इस लॉ का यूज देखते हैं कि इस लॉ को कैसे यूज करना है या फिर इसका फायदा क्या है। तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम गिवन है, लेट्स से हमारे पास एक रॉड गिवन है जिसका मास है M। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से रॉड्स हैं जिनका मास है M। ठीक है, तीनों सेम रॉड है, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, तीनों का मास M है। मैंने क्या किया, एक बार इस रॉड पर F फोर्स ऊपर लगाया, एक बार F फोर्स मिड में लगाया और एक बार F फोर्स नीचे लगाया। ठीक है, तीनों पर हमने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया। अब आपको बताना है इस ऐसे सेंटर ऑफ मास कहां होता है, एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड में होता है, यानी सेंटर ऑफ मास यहां होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास तीनों केस में। ठीक है, यहां पर भी सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा। अब मैंने क्या किया कि सेंटर ऑफ मास की आपसे एक्सेलरेशन पूछी कि बताओ इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, लेट्स से इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A1, इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A2 और इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A3। आपको कंपेयर करना है A1, A2, A3 को, विच वन इज मोर या इनका रिलेशन क्या होगा। तो इस केस में अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, ध्यान रखना हमें इस इक्वेशन से पहले एक पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन पार्टिकल की मिलती है,
लेकिन अगर एक सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन किस एक्सेलेरेशन किसकी मिलती है, सेंटर ऑफ मास की, एक्सटर्नल फोर्सेस लेने पर। तो मैंने तीनों सिस्टम को ध्यान से देखा, मैंने कहा इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितना है एफ, मास कितना है एम, तो एसीएम हो जाएगा एफ बाय एम। तो ए वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ बाय एम। फिर मैंने इसको देखा रॉड को, इस रॉड का भी फोर्स एक्सटर्नल एफ, मास एम, तो एक्सेलेरेशन अभी भी एफ बाय एम। इस केस में भी फोर्स एफ मास एम, तो एक्सेलेरेशन एफ बाय एम। ध्यान रखिएगा हम एक्सेलरेशन किसकी निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की। तो तीनों केस में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या आएगी, सेम आएगी, और वो आनी भी चाहिए क्योंकि तीनों पर फोर्स क्या लग रहा है, सेम। तो यही फायदा था सेंटर ऑफ मास पढ़ने का कि सेंटर ऑफ मास पढ़ने से हमें इसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली मिल गई एफ बाय एम। मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, हर पॉइंट की बात नहीं कर रहा। हर पॉइंट की एक्सेलरेशन हो सकता है क्या हो, अलग अलग, लेकिन सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन एफ बाय एम ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, हमने एक डेफिनेशन भी देखी थी कि सेंटर ऑफ मास का वही मोशन होता है जैसा कि एक पार्टिकल का होता है। तो अगर मैं इस रॉड की जगह, इन तीनों रॉड्स की जगह एक पार्टिकल लेता एम मास का और उस पर सेम एफ फोर्स लगाता, देखो तीनों केस में एफ राइट साइड है तो इसमें भी एफ कहां लगाना पड़ेगा, राइट साइड। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही यही थी। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ बाय एम। तो ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास की एक्चुअली में डेफिनेशन ही यही थी, क्या कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसका मोशन वैसा ही होता है जैसा कि एक पॉइंट मास का हो। उसमें हमने ये तो बात कही नहीं कि फोर्स आप कहां लगा रहे हो, समझ में आया कि आप फोर्स कहां लगा रहे हो, इसकी बात तो हमने की नहीं थी। हमने तो डायरेक्टली बोला था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका मोशन वैसा ही होगा जैसा कि एक पार्टिकल का होगा अंडर सेम एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर याद हो तो एक्सटर्नल कंडीशंस सेम है, एफ और एम सेम है, एफ और एम सेम है, एफ और एम सेम है। तो एक्सटर्नल कंडीशंस चेक करो तीनों केस में और इस केस में क्या है, सेम फोर्स एफ मास एम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन भी तीनों केस में क्या होगा, सेम होना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही यही है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन वैसा ही होगा जैसा कि एक पार्टिकल का होगा और वो अब इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम फोर्स कहां लगा रहे हो। इवन अगर मैं रॉड्स लेने के बजाय स्फीयर ले लेता, मैंने एम मास का स्फीयर लिया, एक बार मैंने फोर्स ऊपर लगाया एफ, एक बार हमने फोर्स बीच में लगाया एफ और एक बार हमने नीचे फोर्स लगाया एफ। ध्यान रखना ये नेट फोर्स है, एक्सटर्नल नेट फोर्स है ना, और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे। ठीक, तो अब हमें बताना है कि बताओ इस केस में, अच्छा सेंटर ऑफ मास कहां होगा इस केस में भी, इस केस में भी कहां होता है, सेंटर पर, यूनिफॉर्म बॉडीज है तो इस केस में भी एक्सेलरेशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा ए टू और ए थ्री। अब मैंने बताया, अब कंपेयर करो ए वन ए टू ए थ्री, तो फिर से रिलेशन तो वही आएगा ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री क्योंकि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसका मोशन की एक पार्टिकल जैसा होता है। तो तीनों अगर एक पार्टिकल बन जाएं, तो तीनों एक पार्टिकल बन जाएं तो तीनों पे फोर्स एफ मास एम एक्सेलरेशन सेम आएगी। तो फोर्स कहां लगता है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन सेम आएगी अगर फोर्स सेम है और मास सेम है। मैं तो कहता हूं इवन अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म इस टाइप की बॉडी है, इस केस में भी अगर मैं एफ फोर्स राइट में लगाऊं, ध्यान रखना मास सेम ले रहा हूं, मास चेंज नहीं करोगे, फोर्स चेंज नहीं करोगे, तो इवन इस केस में भी अगर इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता हो, अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकें, तो लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, आपने कैलकुलेट कर लिया, हमें पता चल गया, तो इवन इस केस में भी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन एफ बाय एम ही आएगी। यही फायदा है सेंटर ऑफ मास पढ़ने का, ताकि हम उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्ट एफ बाय एम बोल सकें। एफ लेकिन एक्सटर्नल लेना है, तो इसी इक्वेशन का यही फायदा है कि आप अगर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस ले लो तो हमें एक्सेलरेशन किसकी पता लग जाएगी, सेंटर ऑफ मास, यानी कि उस पॉइंट की एक्सेलरेशन
पता चल जाएगी। यही फायदा था सेंटर ऑफ मास पढ़ने का कि द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों केस में एक्सेलरेशन, इन तीनों चारों केस में एक्सेलरेशन, मैं तो कहूं सारे केसेस में एक्सेलरेशन सेम होगी क्योंकि चारों केस सभी केसेस में सॉरी फोर्स सेम है, मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हर केस में सेम आएगी। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कितना है m, हमें क्या बताना है इसके सेंटर की एक्सेलरेशन बतानी है। सेंटर की कम एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। सेंटर क्या होगा यहां पर यूनिफॉर्म रॉड में, सेंटर क्या होता है सेंटर ऑफ मास, मतलब कुल मिला के हमसे सेंटर ऑफ मास की ही एक्सेलरेशन पूछी जा रही है। अच्छा एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू, ठीक है, तो हमसे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पूछी जा रही है, तो हमें वही काम करना होता है कि हम इस बॉडी को या इस सेंटर को एक पॉइंट मान सकते हैं। तो ये सेंटर का मोशन या इस सेंटर की एक्सेलरेशन, इस सेंटर की वेलोसिटी, इस सेंटर का एक्सेलरेशन वही होगा जो कि एक पॉइंट मास का होता। अच्छा इसमें नेट फोर्स कितना होगा, आगे एफ वन पीछे एफ टू, तो इस पर अगर मैं नेट फोर्स निकालूं एक्सटर्नल तो वो कितना आएगा एफ वन माइनस एफ टू। एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा एफ वन माइनस एफ टू, और हमें पता है किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स बराबर होता है किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन के, लेकिन एक्सेलरेशन किसका होता है भाई सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आसान है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इज एक्सटर्नल फोर्सेस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा अगर मैं F1 यहां लगाने के बजाय यहां लगाऊं क्या कोई फर्क पड़ेगा, अगर मैं F1 यहां लगाने के बजाय थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं, यहां शिफ्ट कर दूं, यहां शिफ्ट कर दूं, या F2 को यहां लगाने के बजाय यहां कहीं पे भी शिफ्ट कर दूं, हर केस में एक्सेलरेशन यही आएगा। चाहे आप F1 F2 को कहीं शिफ्ट करो, डायरेक्शन चेंज मत कर देना। हाँ अगर F2 पीछे लगने के बजाय आगे लग जाए तो F1 और F2 दोनों ऐड हो जाएंगे अब की बार। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन को सेम रखते हुए कहीं पर भी शिफ्ट करूं या इसको शिफ्ट करें एक्सेलरेशन सेम आएगी क्योंकि फोर्स सेम आएगा। तो ध्यान रखना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में, बस डिफरेंस अब ये आ चुका है कि यहां पर हमें एक्सटर्नल फोर्स लेने हैं और यहां पर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेना है, समझ में आया, और एम इज द टोटल मास, इस बात का ध्यान रखना है। इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए ही, लेकिन फोर्स एक्सटर्नल, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का मिलेगा, पार्टिकल का नहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ मास का, नोट कर लीजिए।